हर हर महादेव से गूंज उठे शिवालय। आज से श्रावण मास के पावन महीने की शुरुआत हो गई है। इस साल सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है, इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन माह में भगवान शिव और माँ गौरी धरती पर आते हैं और भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन में सोमवार व्रत का भी खास महत्व होता है। कहा जाता है कि सावन सोमवार के दिन उपवास रखने से और महादेव की आराधना करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण के पहले सोमवार के शुभ अवसर पर बहराइच में आज भोर पहर से ही मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा है। घंटागढ़ स्थित पांडवकालीन सिद्धनाथ मंदिर में सुबह 3 बजे से ही भोले के भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर भगवान शिव पर दूध, जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, सफेद फूल इत्यादि से जलाभिषेक कर रहे हैं। सिद्धनाथ मंदिर के महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने बताया कि आज सोमवार के दिन पांडवकालीन सिद्धनाथ मंदिर में शिव भक्तों का लगा हुआ है। भक्तगण अपनी हर मनोकामना को लेकर पूजन अर्चना कर रहे हैं। अब्दुल कादिर की बहराइच ब्यूरो से एक खास खबर। महाराज जी, आज सावन का पहला सोमवार शुरू हो रहा है, सोमवार का क्या महत्व है और मंदिर में आज दर्शन के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? आज प्रातः वही 1 बजे मंदिर को खोल दिया गया है, जहां आप देख रहे हैं कि लाखों श्रद्धालु भगवान को जलाभिषेक करा रहे। आज सावन का पहला सोमवार है, जहाँ भगवान भूत भगवान आशुतोष कैलाश छोड़ करके आज मृतलोक में आए हुए हैं। आकाशे तारलिंगम पाताले अटकेश्वरम मृतलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। आज भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं कैलाश छोड़ करके मृतलोक में आए हुए हैं। आज भगवान सिद्धनाथ में जहां लाखों श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से भगवान को जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान सबका मंगल करें, सबका जीवन आनंद में हो, यही मेरी शुभकामना सिद्धनाथपुर से महामंडलेश्वर।